नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण। तो आज मैं लेके आऊँ आपके लिए वॉचेस एंड वायर्स में एक पर्टिकुलरली सेक्शन। इससे पहले अभी तक आपने वीडियो देखा जिसमें थ्योरेटिकली बताया गया था कि वॉचेस एंड वायर्स क्या है, तो अब आप एक्सपेरिमेंट वे में भी देखेंगे। एक्चुअली देखिए, मेरे हाथ में जो ये प्लेट है, दिस इज़ अ वी नॉच, ठीक है, दिस इज़ अ वी नॉच। और इसे किस लिए यूटिलाइज किया जाता है, इसे किस लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि आपने देखा है पाइपलाइन के थ्रू फ्लो रेट निकालना बहुत आसान है। Q इक्वल टू A टू V, ठीक है। Q इज नथिंग बट फ्लो रेट, V इज वेलोसिटी, A इज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइपलाइन। तो डाय मालूम है तो क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना बहुत ही आसान है, ठीक है, ओके। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि फ्लो रेट नदियों का या चैनल्स का या कोई भी खड का जो बह रहा है उसका फ्लो रेट कैसे निकाला जाएगा? तो उसका फ्लो रेट भी निकालना, वैसे ये फॉर्मूला सबके लिए सेम ही है, दैट इज क्यू इक्वल टू एरिया इन टू वी। वी इज नथिंग बट योर एवरेज वेलोसिटी, एरिया इज नथिंग बट योर कौन सा क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। मगर ये जो स्पेशली वी नॉट आप देख रहे हैं, और ये देखिए यहाँ पर ट्रेपेज़ॉइडल नहीं, एक्चुअली ये रेक्टेंगुलर नॉच है। तो कितने टाइप के नॉचेस होते हैं? एक हो गया मेरे हाथ में वी नॉच, जिसको ट्रायंगुलर नॉच भी बोलते हैं। दिस इज रेक्टेंगुलर नॉच, जैसे कि आप देख रहे हैं एक कनाल है, नहर है, उसमें से पानी का फ्लो रेट अगर मेजर करना है, ठीक है, तो उसको किससे पास किया जाता है? सारी चीज़ें बंद रही हैं, उसको पास किससे किया जा रहा है? एक रेक्टेंगुलर नॉच से। तो ये जो होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये होती है हाइट, समझ रहे हैं? और क्या बोलेंगे, ये जो आप एक शीट देख रहे हैं, फ्लूइड की जो शीट है उसको बोलते हैं नेप। और ये जो बॉटम है जिसके ऊपर से फ्लूइड गुजर रहा है उसको बोलते हैं क्रेस्ट या फिर सेल बोलते हैं। और ये किस लिए यूज़ किया जाता है? ताकि कैनाल के थ्रू, खड के थ्रू जो भी कोई भी फ्लूइड बहता है, आपने नहर देखी होगी, उसका अगर फ्लो रेट हमें मेज़र करना है तो इसी के थ्रू मेज़र किया जाता है, ओके। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर हाइट है आपकी, तो अलग अलग नॉचेस यूज़ करके एक फ्लो रेट बताया गया है एक्सपेरिमेंटल वे में, या फिर थ्योरेटिकल वे में कुछ इक्वेशंस हैं जो फ्लो रेट बताती हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। वही चीज़ अगर मैं इसको अप्लाई करूँ, ये तो आप देख रहे हैं रेक्टेंगुलर नॉच है, अगर मैं वी नॉच को अप्लाई करूँ तो क्या होता है? जैसा लिखेगा ये हुआ हमारी वी नॉच। तो वैसे ही ट्रेपेज़ॉइडल नॉच होता है, स्टेप्ड नॉच होता है। इससे पहले आप थ्योरेटिकल में देख सकते हैं कि कौन कौन से मैंने नॉचेस बनाए थे। तो नॉच एक बोल सकते हैं, एक ओपनिंग होती है आपके छोटे से टैंक में या फिर आपके कैनाल में, ताकि फ्लो रेट मेज़र किया जा सके कि कनाल में क्या फ्लो रेट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और वही चीज़ अगर आप वायर्स की बात करते हैं, देखिए ये जो बना हुआ है, अगर आप देख रहे हैं ये मेटल का प्लेट है, जो वायर्स होता है वो पूरा सीमेंटेड स्ट्रक्चर होता है। सीमेंटेड स्ट्रक्चर मतलब यहाँ से लेकर कनाल के अक्रॉस, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सीमेंटेड स्ट्रक्चर बनाया रहता है। नॉच और वायर में सिर्फ फर्क इतना ही है कि दोनों सेम ही दिखते हैं, ठीक है। ये छोटा होता है, वो पूरा सीमेंट का बड़ा स्ट्रक्चर होता है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला रहता है। मैं वायर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं ऐसे ही एक्सपेरिमेंटल वे में आपको समझाने के लिए ज़रूर आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पाविका फ्लूइड से इस चैनल को एक बार फिर से। तो आज मैं लेकर आया आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगेन फ्रॉम द फ्लूइड मैकेनिक्स, दिस इज योर नॉचेस एंड वायर्स। क्योंकि काफी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर ये टॉपिक लेके आइए, तो इसी के साथ मैं आया। बट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज ही आपसे बहुत बड़ी ऐसी रिक्वेस्ट कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं ऐसी एजुकेशनल वीडियोज आपके लिए हमेशा हर पल लेके आता हूँ। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा जहाँ से आप डॉक्टर आर के बंसल की बुक को परचेज कर सकते हैं, जो मेरे हिसाब से सिंपल लूसी लैंग्वेज में दी गई सबसे बेस्ट बुक है फ्लूइड मैकेनिक्स की, भले वो सिविल, केमिकल या मैकेनिकल इंजीनियर यूज करता हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ डायग्राम बने हुए हैं, दैट इज योर रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर जिसको वी भी बोलते हैं, ट्रेपेज़ॉइडल या फिर स्टेप्ड। अब मैंने लिख ही दिया है कि नॉच एंड वायर्स, एक्चुअली ये नॉच एंड वायर्स मींस नॉचेस एंड वायर्स क्या होती है? ये एक ओपनिंग होती है आपके चैनल में, यानी कि नहर पे, क्लियर हो गया, जिसे लगा दिया जाता है। और इससे हम देखिए, जैसा कि पाइपलाइन में फ्लो रेट मेजर करना काफी आसान है, फ्लो रेट मेजर करने का क्या फॉर्मूला है? दिस क्यू इक्वल टू ए इनटू वी। मगर पाइपलाइन का एरिया सर्कुलर होने की वजह से दैट इज नथिंग बट योर एरिया ऑफ सर्कल, जैसे कि आप देख रहे हैं वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी होती है, तो फ्लो रेट निकाला जा सकता है। मगर कभी आपने सोचा है कि फ्लो रेट ओपन चैनल का कैसे निकालेंगे, जैसे नदियों का, जैसे नहरों का, जैसे खड का,
समझ रहे होंगे, जैसे इंदिरा गांधी केनाल है यानी कि नहर है, उसका फ्लो रेट कैसे निकालेंगे। तो सपोज आपकी ये नहर जा रही है, ठीक है, अब मैं इसका एक बॉटम बना देता हूं। सपोज दिस इज, ये बॉटम है आपका, तल है नहर का, ओके, ये है पानी की हाइट, क्लियर हो गया, ये है पानी की हाइट। तो ये तो आप क्या देख रहे हैं, साइड व्यू देख रहे हैं, मगर अगर मैं आपको एक्चुअली में फ्रंट पोर्शन बताऊं, क्या देखिए मैं अब ऐसे करके बताऊंगा ताकि आपको तो समझ में आ जाएगा कि नॉचेस क्या होते हैं, ठीक है, ओके। ये तो आप क्या देख रहे हैं, ऐसे देखेंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये तो एक नहर है, ठीक है, और कैसी दिख रही है, अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये एक कैसी नहर दिख रही है, रेक्टेंगुलर ऐसी, ओके। ट्रेपेजॉइडल देखना चाहते हैं तो ऐसी कुछ दिखेगी, देखिए ऐसी नहर दिखेगी, ये हो गया नहर, तो ये देखिए यहां पे बना हुआ ट्रेपेजॉइडल, मगर मैंने ये नहीं लिखा है कि नॉचेस हैं या फिर वायर्स हैं, ठीक है, तो ऐसा। तो आप जो देख रहे हैं ये साइड पोर्शन है, क्लियर है, नहर का, मगर अब जो मैं दिखाने जा रहा हूं वो ये ऐसा है, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन अब मैं बनाता हूं, आई थिंक अब आपको क्लियर हो जाएगा कि नॉचेस एंड वायर्स क्या होती है। तो अब फ्लो रेट कैसे मेजर किया जाए हमारे नदियों का, नहरों का, खड्डों का, तो एक तरीका होता है, वो क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये नहर बनाता हूं, नहर बना के बताता हूं, ठीक है। तो ये आप साइड पोर्शन देख रहे थे, अब इसी का मैं ये वाला सेक्शन लेता हूं यहां पर, ये सेक्शन वन है, ठीक है, इसी को मैं क्या लिखूंगा, तो मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए ये जो नहर है हमारी रेक्टेंगुलर सेक्शन की है, ठीक है, तो अब ये जो सेक्शन वन मैंने बनाया है वो इसी को यहां बनाता हूं, दिस इज अवर सेक्शन, ठीक है, ये हमारा नहर का क्रॉस सेक्शन एरिया, जहां से फ्लूइड जाता है, कहां से जाता है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, मतलब सपोज ये छोटे में बड़े में मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, मगर छोटा यही नहर बताता हूं, तो जहां से फ्लूइड जाएगा मतलब आपका यही फ्लूइड का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, मतलब वो वाला एरिया जहां से फ्लूइड जाता है, दैट इज योर क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इतना ज्यादा फ्लूइड जा रहा है, मगर इसका फ्लो रेट कैसे मेजर किया जाए, तो वो क्या करते हैं कि आपके यहां पर देखिए सेम टू सेम ये, ओके, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहां पर एक छोटा सा ये हिस्सा जो अगेन रेक्टेंगुलर होगा, क्लियर हो गया, अभी काम करता हूं, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये यहां से लेकर यहां तक ये पूरा जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, जो मैं अभी अलग कलर से आपको बताऊंगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा रोक देते हैं, ये जो उसको मैं शेड कर रहा हूं ना, ये पूरे के पूरे को वो रोक देते हैं, पूरे फ्लूइड को, क्लियर हो गया, ओके, और इतना हिस्सा ही वो सिर्फ ओपन रखते हैं। तो ये एक, अब ये नॉचेस भी हो सकती है, वायर्स भी हो सकती है, अगर ये जो प्लेट है, समझ रहे हैं, ये जो प्लेट है इतना हिस्सा, ये जो प्लेट है दिस इज योर रेक्टेंगुलर, यानी कि मैं अब दूसरे कलर से, इतना हिस्सा तो जिसको मैंने शेड किया वो तो सब पानी रोक देते हैं, ओके, तो फ्लूइड जो आपका है वो किससे बहेगा, मैं रेड कलर से बताऊंगा, इतने हिस्से से बहेगा, मतलब ये वाले हिस्से से, इससे फ्लूइड बाहर निकलेगा फिर ये, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब आपका एरिया फिक्स है, इसको क्या बोलेंगे, ये होती है हमारी हाइट, ओके, यहां से लेके ये होती है हमारी लेंथ। तो अगर ये जो हिस्सा जो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, इतना हिस्सा, ठीक है, समझ गए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इतना हिस्सा जो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं ये होता है हमारा नॉच, और ये नॉच क्यों कहलाता है, ठीक है, नॉच इसलिए कहलाया जाता है क्योंकि ये जो हिस्सा मैं रेड कलर में आपको बता रहा हूं ये, ठीक है, एक काम कर रहा हूं, जो फ्लो है मैं अलग कलर से बताऊंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा आपको, ये देखिए ये ग्रीन कलर से, तो इसके थ्रू ही फ्लो निकलेगा, बाकी तो सब रोक दिए, दीवार बन गई है, ठीक है। तो ये जो ओपनिंग है ये हरे कलर से मैं जो बता रहा हूं, यानी कि यहां से फ्लूइड जा रहा है, क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो, ओके। और मैं दूसरे कलर से जो बताऊंगा आपको, कौन से कलर से बताऊं, रेड हो गया, ओके, तो ब्लैक कलर, तो ये जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा जिसको मैं पूरा ब्लैक कर रहा हूं, इतना हिस्सा ये पूरा मेटल का बना होता है, क्लियर हो गया, ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मेटल का बना होता है। तो इसी प्रकार से फ्लो रेट मेजर करने के लिए कुछ सेक्शंस बीच में लगा दिए जाते हैं पूरे पानी को रोक के, तो ये होता है जब हम रेक्टेंगुलर सेक्शन यूज करते हैं तो रेक्टेंगुलर नॉच, तो ये एक टाइप की ओपनिंग होती है जो जस्ट फिट कर दी जाती है आइदर टैंक के साइड में या चैनल के, छोटे से चैनल के साइड में, ताकि फ्लो रेट मेजर किया जाए आपकी नहर का या चैनल का। अब वो जो सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, तब वो बलय कहलाएगा रेक्टेंगुलर नॉच, ट्राइंगुलर नॉच जिसको वी नॉच भी बोलते हैं, ट्रेपेजॉइडल नॉच, ये नॉच ऐसी भी हो सकती है, अब फिलहाल तो मैंने बना दी है, मतलब सपोज इसमें बताना है तो मैं कैसे बताऊंगा, देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, क्लियर हो गया, तो इसके थ्रू जो फ्लूइड जाएगा वो कैसे जाएगा फिर, ओके, तो इसके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं फ्लो रेट के, क्लियर हो गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो क्योंकि हमने फिक्स डायमेंशन में फ्लूइड को ठहरा दिया है कि फ्लूइड बस इसी सेक्शन से निकले, तो तब फ्लो रेट इजी, मतलब कैलकुलेट करना बहुत इजी हो जाता है कुछ फॉर्मूले का अप्लाई करके, और सबसे इजी फ्लो रेट मेजर करना इसका होता है, क्योंकि ये होती है आपकी हाइट जिसकी
जिसके थ्रू फ्लूइड जाता है, ठीक है। तो फ्लो रेट इसका कुछ फॉर्मूला है, फिलहाल तो मुझे याद नहीं है, बट इट इज समथिंग, हाइट आपको मालूम होनी चाहिए, आइदर समथिंग 3/2 और 1/2 है, समथिंग लाइक दैट, आई थिंक यही फॉर्मूला है इसका, ठीक है। तो इसकी जगह आप ये ट्रेपेजॉइडल नॉच भी लगा सकते हैं, ये होती है स्टेप्ड नॉच, यानी कि सीढ़ी नुमा नॉच जिसमें सीढ़ियों जैसी बनावट दी है, इसको उठा के बस बीच में लगाना है। तो जब ये सारी चीजें मेटल से बनी रहती हैं, एक्चुअली साइज में छोटी होती हैं, क्योंकि मेटल की बनी रहती हैं, साइज में छोटी होती है, जस्ट यहाँ पे लगाना होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ओके। और बाकी जो सारा हिस्सा जो रोक के रखा हुआ, सीमेंट से बनाया जा सकता है। तो ये चैनल के इस हिस्से तक, यानी कि पूरा ये सीमेंट से लगा दिया जाता है और बीच में सिर्फ एक मेटल प्लेट लगी रहती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरी बात, ये जो नॉच है ये मैंने यहां पे बताई है, तो ये होती है आपकी बॉटम एज होती है, ये बॉटम की एज होती है, इसको बोलते एक नाम दिया गया है, दैट इज योर दिस वन इज क्या बोलते हैं इसको, नेप बोलते हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज द नेप, सॉरी दैट इज योर क्रेस्ट। व्हाट इज दिस, क्रेस्ट, और दिस इज सिल, इसको बोलते हैं सिल। तो नॉच की जो बॉटम एज होती है उसको क्रेस्ट या सिल बोलते हैं, क्या बोलेंगे, क्रेस्ट या फिर सिल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और वैसे ही अगर हम वायर्स की बात करें, वायर्स में क्या खास बात है नॉचेस और वायर्स के बीच में डिफरेंस, जस्ट इतना ही है, साइज और शेप के हिसाब से सेम ही रहते हैं, मगर जो हम मेटल से बना रहे हैं, ठीक है, जो हम मेटल से बना रहे हैं वो सीमेंट स्ट्रक्चर बनता है। तो ठीक है, यहां पर जो मैंने क्रॉस किया हुआ है आप देख रहे हैं ये ब्लू कलर से, ये तो पूरा सीमेंट का बनेगा ही बनेगा, ठीक है। साथ में अब ये जो ये है, ये पूरा का पूरा ये भी सीमेंट से बन जाता है, तो यहां पे मेटल पार्ट का कुछ नहीं है, सिंपल है। जब मेटल यूज करते हैं, ठीक है, इतना पार्ट जितना मैं ये बोल रहा था वो नॉच कहलाता है। जब पूरा का पूरा क्या बोलते हैं सीमेंट यूज करते हैं, यानी कि इट इज नथिंग बट अ मेसनरी स्ट्रक्चर, ये काफी बड़ा होता है और ये पूरे चैनल के यहां से यहां तक फैल जाता है, क्लियर हो गया, यहां से स्टार्ट होता है यहां से फैल जाता है। तो यहां पे पूरी बनावट आपकी सीमेंट की होती है, तब इसको वायर्स कहा जाता है। तो किस लिए यूज करते हैं, ये एक ओपनिंग होती है जो आइदर टैंक में लगती है या फिर आपके चैनल्स में लगती है, ताकि फ्लोरेट मेजर किया जा सके आपके चैनल्स का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो कौन कौन से टाइप के नॉचेस होते हैं, रेक्टेंगुलर नॉच, ट्रायंगुलर नॉच, ट्रेपेजॉइडल नॉच, स्टेप्ड नॉच, ओके। वायर्स में तो हम सेम ही शेप तो सेम ही बनाएंगे, सिर्फ ये है मेटल से बने होते हैं, वो सीमेंट से बने होते हैं, यानी कि मेसनरी स्ट्रक्चर होता है। ये हो जाएगा रेक्टेंगुलर वायर, ये हो जाएगा ट्रायंगुलर वायर जिसको वी वायर भी बोलते हैं, ट्रेपेजॉइडल वायर, ओके, स्टेप्ड वायर, क्लियर हो गया, ओके। मगर वायर्स, यानी कि मैं क्या बोलना चाहता था कि ये जो ट्रेपेजॉइडल वायर है इसको एक और नाम दिया गया है, सीपोलेटी वायर भी कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब मैं थोड़ा सा एक डायग्राम बना देता हूं और हम वीडियो में भी देखेंगे कि कैसे वो काम करता है, ओके। दूसरी एक और चीज मैं बताना चाहता था, जैसा कि ये नॉचेस मेटल प्लेट के होते हैं, वो आपके दिस वन क्या बोलते हैं मेसनरी स्ट्रक्चर होता है। नॉचेस जनरली छोटे होते हैं साइज में और ये काफी बड़े होते हैं, क्योंकि वो यहां से लेके यहां तक फैले रहते हैं, मतलब अक्रॉस जो चैनल के अक्रॉस यहां से लेके यहां तक होते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपने डायग्राम देखा होगा, अगर मैं साइड व्यू दिखाऊं तो साइड व्यू कैसा दिखता है, देखिए अगर मैं नॉच बनाता हूं तो दिस इज नथिंग बट ऐसे, ठीक है, इसको मैं शेड कर देता हूं, क्लियर हो गया, ओके। तो आपका जो फ्लूइड है वो ऐसे बहेगा, जो फ्लूइड है मैं दूसरे कलर से बताऊंगा आपको, जो फ्लूइड है दिस इज ऐसे लाइक ये, ओके ओके। अब एक चीज मैं और बता रहा था, अब ये क्योंकि नॉच है या फिर वायर है, दोनों में से कोई भी ले लो, तो जो मैं ये कर रहा हूं, एक काम करता हूं, जो मैं आपको क्रॉस कर रहा हूं, देखिए ये क्रॉस, इतना एरिया यूटिलाइज किया जाता है आपके फ्लूइड द्वारा बहने के लिए। तो ये एक पानी की पतली सी शीट है मान लीजिए, तो इसी शीट को क्या बोलते हैं, दैट इज योर नेप, क्या बोलेंगे, नेप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जो बॉटम एज होती है दैट इज हम बोलेंगे उसको क्रेस्ट, क्लियर हो गया। तो ये जो पतली सी पानी की शीट है, दिस इज यहां से लेके यहां तक, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसी को नेप बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो है दिस इज क्रेस्ट, यानी कि जो बॉटम एज है आपकी नॉच या फिर वायर की, जिसके ऊपर से फ्लूइड बहता है, दैट विल कॉल्ड एज क्रेस्ट, क्या बोलेंगे, क्रेस्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जरूर कीजिएगा शेयर एंड लाइक, डेफिनेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।